स्पेशल बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। काशीपुर पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। हल्द्वानी में कांग्रेस तिरंगा यात्रा की समीक्षा। रुद्रपुर में 3 आरोपी गिरफ्तार। काशीपुर के मुख्य बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर चालानी कार्यवाही। सिडकुल में इंटरसिटी बस सेवा का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार आज महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य काशीपुर पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से सीएम धामी की विकास प्रद योजनाओं का लाभ उठाने व राज्य के विकास की बात कही। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन आप लोगों करीब लाए। रुद्रपुर में 29 जुलाई को दो पक्षों में जमकर मारपीट के साथ ही एक पक्ष द्वारा फायर झोंकने से 3 युवकों सहित एक महिला और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया, जिसके बाद घायल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ताकि 5 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हो चुका है, उसमें मुख्य अभियुक्त विकास गुप्ता है। उससे बरामदगी भी हुआ है अवैध असला पोनिया, जिससे ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। हम आगे इनके ऊपर प्रबल निरोधात्मक कार्रवाई भी करेंगे, इसमें गैंगस्टर भी कार्रवाई करेंगे और इनके सभी संपत्ति जब्त करेंगे और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी तत्काल शुरू करेंगे। आज नगर निगम काशीपुर, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य अधिकारी, पॉल्यूशन बोर्ड अधिकारी व तहसीलदार की संयुक्त टीम ने मुख्य बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध छापामार कार्यवाही की। इस दौरान टीम द्वारा लाखों का सिंगल यूज प्लास्टिक विभिन्न दुकानों से बरामद कर चालानी कार्यवाही की गयी। आज हमने काशीपुर में पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम की टीम, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम संयुक्त रूप से काशीपुर में जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, जो कैरी बैग और पॉलीथीन इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं, तो हम छापेमारी करी और लगभग 7-8 क्विंटल हमने प्लास्टिक का भी जब्त किया। व्यापारियों को संदेश भी दिया है कि कोई भी किसी भी प्रकार की प्लास्टिक पॉलीथीन खरीदा इस समय बैन है, उसका प्रयोग न करें, ना ही खरीदे ना ही बेचे। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस द्वारा आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक राज्य भर में निकाली जाने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की समीक्षा हुई। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत और भुवन कापड़ी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नौ तारीख से 15 अगस्त तक एक 75 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक जिले में होनी है कम से कम, और ये इसका मंतव्य यह है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की जो विभूतियों को लोग भूल गए हैं उनको दोबारा से लोगों को याद दिलाने के लिए, और ख़ासकर इसमें फोकस हमारा युवा की तरफ है। जो युवा जिसको इतिहास की अच्छे से जानकारी नहीं है या जिनको भटका दिया गया है, उनको मुख्य धारा से जोड़कर राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर कैसे हम पैदा करें और राष्ट्र के लिए क्या आवश्यक है उनको भी लाएंगे। और इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि जो दिक्कतें इस समय वर्तमान में है, चाहे बेरोजगारी की है, चाहे भ्रष्टाचार की है, चाहे वो जो चीज़ें इस समय राष्ट्र को पीछे ले जा रही है, उन सब चीज़ों के लिए युवाओं को अवेयर कराने का काम कांग्रेस के साथ ही इसमें करेंगे। देखिए, भारत जोड़ो एक विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा है, जो सर्वथा संभव है, जो भारतीय, जो हमारी संस्कृति है, धर्म, मजहब, जाति, बिरादरी, समुदाय, संप्रदाय का एक हमारा एक गुलदस्ता है। आज उसको सजोकर रखने की आवश्यकता है, उसको संवारने की आवश्यकता है। देश जिस से बांटने की कोशिश हो रही है, जिस से सामंतवादी ताकतें
सिर उठा रही हैं। देखिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का ये वर्ष है और जो पूरे देश में, हर जनपद में, हर ब्लॉक स्तर पर मनाने की कांग्रेस की योजना है और इसी की तैयारी के लिए बैठक आहूत की गई है और कांग्रेस ने ये तय किया है कि हमारी हर जनपद में 75 किलोमीटर यात्रा चलेगी। विभाग के संयोग से आज सिडकुल में इंटरसिटी बस सेवा का शुभारंभ एसएसपी, मेयर और आरटीओ ने संयुक्त रूप से किया। इससे अब सिडकुल फैक्ट्री से आने और जाने के लिए कर्मचारियों को जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जी, ये आरटीओ द्वारा परमिट मिला गया है और उसके बाद जो कि व्यवस्थित रूप से अभी पंतनगर सिडकुल के लिए डीडी चौक से ये शुरुआत किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत सराहनीय ये कदम है, शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं, क्योंकि आम नागरिक और गरीब वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोगों को यहां से सिडकुल जाने में कई सारे रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है, तो कम किराए में अगर वो सिडकुल पहुंचते हैं, पंतनगर पहुंचते हैं और वापस घूमते हुए सिडकुल ढलान से होते हुए बन रहा है सर्क्यूट, ये बड़ा अच्छा व्यवस्थित रूप है। छोटी मोटी जो कमियाँ हैं, हम उसको रूट निर्धारण में या स्टॉपेज में कहाँ खड़ा करना है जिससे यातायात प्रभावित ना हो, ये सब चीज़ें तो हम बाद में देखते रहेंगे, पर एक अच्छी पहल है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। व्यवस्थित रूप से चले, कोई परेशानी ना हो किसी को भी, ये मेरा वो है। भविष्य में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। काशीपुर में थाना कुंडा की उप निरीक्षक भूमिका पांडे ने पुलिस बल के आरक्षी नरेश चौहान, हरीश प्रसाद त्रिलोक, कैलाश काला एवं योगेश चौधरी के साथ बैलजोड़ी ठेला पुल के पास से चंदन कुमार एवं राजू कुमार को ई रिक्शा से अवैध 12 पेटी अंग्रेजी शराब, मैकडोवेल व्हिस्की ले जाते हुए गिरफ्तार किया। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।